वेलकम बैक विद नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं दोस्तों। आज सुबह सुबह का टाइम है, एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर हो रहे हैं। ये सुबह सुबह बाजरा लेके आया है, इनको डाला है। अब ये देखें बड़े शौक से खाई जा रहे हैं बाजरा। मकई की चल रही है इनकी फेवरेट चीज़ खुराक है। ये बड़े वाला मील भी फुल फ्लैश खा रहा है, दूसरा भी खाया जा रहा है। अब ये देखिए इनके बच्चे हैं, ब्रीडिंग कराई हुई है। अगर आप इनको इस तरह की खुराक देते हैं तो फिर जाके आप इस तरह का रिज़ल्ट, ब्रीडिंग रिज़ल्ट ले सकते हैं, इस तरह के अच्छे बच्चे ले सकते हैं। और मकई की छली, कॉर्न वगैरह, ये इनकी पसंदीदा खुराक है। ये देखिए ये जंगली घास होती है ये वाली, इसमें दाने होते हैं, ये बड़े शौक से खाते हैं। मकई की छली भी हमने डाली हुई है, ये देखिए उल्टी सीधी करके खाई जा रहे हैं। पहले नहीं उल्टी करते थे, अब इनको बड़ा शौक है उल्टी करके खाने का। उल्टा आप उल्टा करके एक दाना भी नहीं छोड़ रहे आजकल, पूरे शौक से खाई जा रहे हैं। ब्रीडिंग सीज़न है, जब तक ब्रीडिंग इनकी होती है, बच्चे दे रहे हैं, तो इनको डबल ट्रिपल खुराक डालनी पड़ती है। ये बच्चा अभी 10-12 दिन का है, तो अभी 10 दिन इनको मज़ीद लगेंगे अपने प्रेशर निकालने में। सेल्फ फीड में तो एक माह भी लग जाता है, अभी इनको देर है बड़ी। ये देखिए मकई की चल रही है, और ये सुबह सुबह का टाइम है, धूप निकली हुई है, सारे बड़े शौक से खाई जा रहे हैं। मेरे ख्याल में येलो वाले हमारे पास ज़्यादा हो गए हैं, 8-10 येलो वालों की। एक की ना आग डैमेज हुई है, वो हमने अलग पिंजरे में डाला हुआ है। ये देखें ये दूसरे, जब बाक्स में हम लोग गए तो इस तरह के बज्जी स्पैरेट थे। अब ये देखें हमने अंडे एक्सचेंज किए थे, उनमें से 3 तो बड़े हैं, एक अभी ज़्यादा छोटा है। मुझे लग रहा है इनका गमला भी छोटा पड़ रहा है। चलो वक्त के साथ साथ हम इनको चेंज करते जाएंगे। मकई की छली पक्की ना डालें, कच्ची से कच्ची डालें, ताकि वो इजीली इसको खा के निगल भी सके, ताकि उनकी डाइट भी। ये ख्याल रखना है कि नमी के मौसम में जब ह्यूमिडिटी 80 से कम हो तो फिर डालना। अगर 80 तक ह्यूमिडिटी आए फिर तो आपने इनको सॉफ्ट फूड बिल्कुल भी नहीं डालनी। तो इनकी खुराक का बड़ा मौसम के हिसाब से हम चेंज करते रहते हैं कि खुराक। ये अप्रैल तक से काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि इनका ब्रीडिंग सीज़न कब तक चलता रहता है। ये जी इनका चलता है तकरीबन मार्च अप्रैल तक चलता है, 5-6 माह जो होते हैं इनको फुली हमें पूरा ख्याल करना पड़ता है। इनके खुडे शुडे डबल ट्रिपल लगाने पड़ते हैं ताकि ये आपस में लड़ लड़ के ना मर जाए। ये देखें ये येलो वाला मेल है, जो ग्रीन बैठा ये भी मेल है, वाइट फीमेल है। जो ब्लू बैठे हैं नीली चूंच वाली, ये मेल है। देखिए हमने और सेगमेंट ऐड किया है। ये देखिए बाजरे के पूरे सिक्के हमने डाले हुए हैं इनको, और बड़े शौक से खाए जा रहे हैं। ये देखिए बैर पड़ी है, वो भी खाए जा रहे हैं। खुराक का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, खासतौर पर जब ब्रीडिंग सीजन हो तब तो आपने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, इनको खुराक जितनी हो सके डालें। पानी भी डेली चेंज करें ताकि पहले वाला ख़राब ना हो। पानी में भी जरासीम आ जाते हैं क्योंकि ये अंदर ही अपना गंद छोड़ते रहते हैं, हर 2-4 दिन बाद साफ तो कर देते हैं, फिर भी एहतियात करनी पड़ती है इनकी खाने की खुराक की डेली बेसिस पे। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा व्लॉग हमारा, तो डेली बेसिस पे हम अपडेट करते हैं चैनल को। और डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी वीडियो पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग मिनी जू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिकटॉक।